है उनका उत्पीड़न हो रहा है बड़े पैमाने पर। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के एक विधायक सुल्तानपुर लम्बुआ से आते हैं, देवमणि द्विवेदी जी। जब एक घटना होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ब्राह्मण उत्पीड़न पर विधानसभा के अंदर सवाल पूछना चाहते थे। ब्राह्मण उत्पीड़न पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उनको विधानसभा के अंदर प्रश्न करने की अनुमति विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहीं दी। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि जो ब्राह्मण नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में, उनके भी आवाजों को किस तरह से दबाया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज हमेशा से एक शोषण विहीन समाज के लिए संघर्ष किया है, ठीक है, और समाजवादी पार्टी उसके साथ में खड़ी है। ठीक है अभिषेक जी, मैं बस अब विधायक जी से एक सवाल ले लूं, उसके बाद संदीप त्रिपाठी जी उसका उसके बाद कट डाउन करेंगे। विधायक जी मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कि ब्राह्मणों की पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान हुआ, त्रिपाठी जी ने आपको लिस्ट गिना दी कि किन किन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और किस तरीके से पुलिस के द्वारा प्रताड़ित हुए, ये संदीप जी ने आपको बता दिया। विधायक जी मुझे आप ये बताइए, मैंने देखा कि जो अपराधी विजय मिश्रा हैं, क्योंकि अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती, मैं अपनी नजरों में अपराधी की कोई जाति नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अपराधी विजय मिश्रा हैं तो पुलिस की बैन से जेल जाएंगे, अगर उनको जेल जाना होगा तो पुलिस की बैन से जेल जाएंगे, लेकिन अगर अपराधी धनंजय सिंह हैं तो सीओ साहब की बगल में कुर्सी बैठ के जेल जाएंगे, क्या मतलब है भाई? विधायक जी आप सुनिए, अपराधी किसी जात के नहीं होते जी, ये नहीं बोलेंगे। हम कह रहे ब्राह्मणों की हत्या हुई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र से कि बाबर की सजा जुम्मन को कब तक दिया जाएगा। नौकरी देने का काम किया, पंडित के कार्ड देने का काम किया, आप बोल बोलते हो, आपको मत बोलिए भाई, आपसे मैंने आपकी बात मैंने सुना, सुनिए आपकी बात मैंने सुना, आपकी बात मैंने कमेंट नहीं किया, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात को कमेंट करिए, सुनिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने अपने भाई को सरकारी वकील नहीं बनवा पाए, अपने व्यक्तिगत स्तर पर विधायक जी, आपको ब्राह्मण समाज ने वोट नहीं दिया था रानीगंज के अंदर, सुनिए आप क्यों बात करते हैं, आपसे कोई बातें नहीं हुई, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप व्यक्तिगत विशेष बात करिए, दूसरी बात ये कांग्रेस वाले चाहे समाजवादी पार्टी वाले हो चाहे बहुजन समाज पार्टी वाले हो, इन्होंने कभी ब्राह्मण का सम्मान नहीं दिया, इन्होंने इनकी जब सरकार बनी हमने देखो समस्ती को बीजेपी बनाया, आर के तिवारी को मैंने मुख्य सचिव बनवाया, इन्होंने बनवाया आर के तिवारी कौन है मुख्य सचिव, संजय प्रसाद जी कौन है ये बताएं हमसे, दिनेश शर्मा जी कौन है, दिनेश शर्मा जी कौन है, मंत्री कहते हैं मैंने नहीं बनाया, किसने बनवाया बताइए, मेरी सरकार ने बनाया, ये लोग समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, मुझको दिन याद है जो ब्राह्मणों के यहाँ पर ये बात करते हैं अभिषेक जी, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, रात 10 मिश्रा की हत्या हुई, आप नाम कीजिए, जवाहर मिश्रा वकील की हत्या हुई, ये बात करते हैं हमसे, और सुनिए कई वकीलों की ब्राह्मण की हत्या हुई इनके सरकार में, और वो हत्या खुली रही,
ये जानते हैं विधायक जी, मुझे आप एक बात बताइए विधायक जी, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं माननीय विधायक जी, जो आप आंकड़ा बता रहे हैं मुझे आप ये इतना बताइए, मुझे आप इतना बताइए। अरे अभिषेक जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, सरकार की है, पार्टियों के बीच में बातचीत चलेगी। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, विधायक जी मुझे बताइए, आपके सब गलत विधायक जी, आपकी विधानसभा में ब्राह्मण उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं। कोई आरोप नहीं अभिषेक जी, अभिषेक जी आपको बताना चाहेंगे, मेरा सवाल सीधा विधायक जी के साथ में, विधायक जी आप मुझे बताएं खुशी का आपके भाई को भी मैंने वकील बनवाया। विधायक जी आपको फिर मौका दिया जाएगा, अभी संदीप जी की भी बात नहीं सुन रहा है। विधायक जी ये सदन नहीं है, विधायक जी ये सदन नहीं है, आप बहुत सलाह सुनिए विधायक जी इसलिए मेरे ऊपर कोई आरोप है, ये तो आप ऊपर आरोप है कि आप मुस्लिम, विधायक जी मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मुस्लिम को अभी भी आप विधायक जी शांत हो जाइए, विधायक जी ये सदन नहीं है, ये सदन नहीं है, ये भाषण का मंच नहीं है, डिबेट है विधायक जी, देते हो मैं आपको कह रहा हूँ विधायक जी, आप नहीं रहे, आप लोग डर गए, देखिए गुंडा राज आ रहा है, विधायक जी आप लोग डर गए थे, इसलिए विधायक जी संदीप जी विधायक जी सही बात करिए, विधायक जी आप ये जान लीजिए कि ये सदन नहीं है, ये भाषण का मंच नहीं है, यहाँ पर आप आए हैं और भाषण दे रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए ही नहीं थे खड़े हुए, विधायक जी मेरा सवाल सुन लीजिए, विधायक जी मेरी भी बात सुन लीजिए, चार साल में अगर कहते हो कूलर, कहाँ कांग्रेस वाले खड़े हुए, विजय मिश्रा जी अगर आप सुन पा रहे हैं, विजय मिश्रा जी मुझे आप बताइए, बेगुनाह जो बेगुनाह है खुशी दुबे, अरे खुशी दुबे विकास दुबे के परिवार की खुशी दुबे का मुकदमा जो है वो बसपा के सतीश मिश्रा लड़ रहे हैं, गलत मैं कर रहा हूँ, बिजली का हम लोग काम करें तो क्या मैं ये मान लो कि बातें ब्राह्मण से बातें ये सहानुभूति है या चुनावी स्टंट है, योगी सरकार में मिश्रा जी काम न समाजवादी पार्टी न कांग्रेस में बहुजन समाज अब किसी काम में नहीं हुआ, आगामी 2022 में विधायक जी आपको भी मौका दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी के नेतृत्व हम लोग सरकार बनाएंगे, ठीक है विधायक जी थोड़ा सा, विधायक जी विजय मिश्रा जी मुझे ये बताइए, विजय मिश्रा जी सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए, संदीप जी एक मिनट का समय केवल, विजय मिश्रा जी अभिषेक जी अभी एक मिनट, मैं विजय मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी तो रुक ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि सारा सब कुछ भाजपा बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है विधायक जी की नजरों में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि खुशी दुबे और विकास दुबे के परिवार के बीच में जो भी हुआ, खुशी दुबे को तो 2 दिन नहीं हुए थे ससुराल में आई हुए, उसको पुलिस ने बिना वारंट के 10 दिन तक जेल में रखा खुशी दुबे को, और आज उसका मुकदमा बसपा के सतीश मिश्रा लड़ रहे हैं, क्या पूरे भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नहीं था जो खुशी दुबे का, अगर आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का हित ऐसी है, मैं विजय मिश्रा से जानना चाहूंगा, आपसे भी विजय मिश्रा, कि क्या ये चुनावी स्टंट है या वाकई में ब्राह्मणों से सहानुभूति आपकी, विजय मिश्रा जी उसके बाद मैं संदीप त्रिपाठी से लूंगा, बोलिए विजय मिश्रा जी, दुबे के बारे में चलना शुरू हुआ उसे न्याय की जरूरत हुई तो हमारी सरकार ने उसको न्याय दिलाने काम शुरू किया है, और रही बात विधायक जी की, लेकिन मामला तो पुराना था ना, आपको भी अभी याद आया, बस सतीश चंद्र मिश्रा को भी अभी याद आया कि चलिए भाई चुनाव स्टंट बना लेते हैं, इसमें सहानुभूति भी बनेगी, हम कह रहे हैं खुशी दुबे की बेल हाई कोर्ट में पड़ी थी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, कम से कम बहुजन समाज पार्टी ने इस बारे में सोचा तो, और जो विधायक जी कह रहे हैं ब्राह्मण को उत्पीड़न नहीं, 2 महीने पहले यही विधायक जी डीएम कार्यालय में बिना कपड़ा उतार के जमीन पे लेटे थे, कप्तान साहब ने इनको जो वो मामला अलग है, आप कपड़ा उतार के लेटे थे वो अलग अलग मामला है, मैं संदीप त्रिपाठी, आप बताइए कि क्या ये बसपा का चुनावी स्टंट है, क्योंकि कांग्रेस भी बोल रही है दुबे के मामले पर, संदीप त्रिपाठी जी अपनी सरकार में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे ब्राह्मणों क्या सम्मान दिलाएंगे, देखिए आप बसपा हो या सपा हो, आप याद करिए जब मंडल और मंडल की राजनीति आई तो लगातार ब्राह्मणों का जो है राजनीतिक पतन स्टार्ट हुआ, जैसे हमने बताया कि कांग्रेस के पहले नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बहुत सारे हमारे प्रतापगढ़ से ही ब्राह्मण मंत्री हुआ करते थे, तो इस तरीके से जब मंडल और कमंडल की राजनीति थी तो उसमें उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी ने भोगा है
तो वो कांग्रेस और ब्राह्मण दोनों ने भोगा है। और ब्राह्मणों के लिए बात मैं कहना चाहूंगा, एक बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी कहावत कहते हैं कि जब से ब्राह्मणों ने जो है कांग्रेस को छोड़ दिया, सत्ता ने ब्राह्मणों को छोड़ दिया, ये उनकी कहावत है। बहरहाल और दूसरी बात, अभी आप बसपा और सपा का जो ब्राह्मण तिवारी आज तक कुछ नहीं पाए, किनारे कर दिया, यही राज्यसभा सांसद बेटा महासचिव नहीं बनाए उनको, प्रदेश कांग्रेस वाले जो है बात बोलते हैं, इसलिए सत्ता से आप दूर हो गए इतने दिन, अब आप सत्ता में आओगे नहीं, इसलिए आप ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट करा दिया। हमारे भाजपा के विधायक जी के साथ मेरी पूर्ण संवेदना है, उनकी कितनी खुद की बात सुनी जाती है, वो अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से लाते खाना ना लाते 12 वकील को पंडित न बनवा दे, कोई अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी प्लीज मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा संदीप जी, तो अभिषेक तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी मुझे ये बताइए, आप जो चुनावी स्टंट कर रहे हैं और मामले बहुत निकल के आ रहे हैं खुशी दुबे से लेके ब्राह्मणों को लुभाने के, कांग्रेस भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, तो मुझे ये बताइए 2022 में आपके साथ ब्राह्मण समुदाय जुड़ेगा, जल्दी जल्दी इंक्लूड कीजिए। देखिए ब्राह्मण समुदाय हमेशा से, मैंने पहले भी कहा कि ब्राह्मण समुदाय बहुत उदार होता है और उस उदारता के साथ में वो इस बात को मानता है कि किस सरकार में हमारे लिए क्या कार्रवाई और क्या चीजें हुई वो अपेक्षा रखता है। ब्राह्मण समाज आज महसूस कर रहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस उम्मीद के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना था वो तो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है, इसीलिए आज ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज हमारा वो समाजवादी पार्टी की तरफ 2022 में चुनाव में हमारी तरफ देख रही है और हमसे उम्मीद लगाए बैठी है। चलिए ठीक है, ठीक है अभिषेक तिवारी संदीप जी, मात्र 10 सेकंड आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस के पास में 2022 में ब्राह्मण समुदाय जुड़ेगा? 10 सेकंड बिल्कुल जुड़ेगा, इसलिए कि हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण देने वाले हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से धीरे लोग है कि 12 वकील 12 सरकारी वकील कर रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रतापगढ़ में उन्होंने घोटाला किया है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, उन्होंने जो है सरकारी वकील किया या नहीं किया ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि 2022 में किधर जाएगा, उसकी सरकार बन जाएगी, 30 सेकंड में 30 सेकंड में एक व्यक्तिगत टिप्पणी विधायक जी ने की है, मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा कि विधायक जी, अगर आपके आपके पत्र पर किसी समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण परिजन को नौकरी मिली है तो आप तत्काल वो पत्र भेजकर वापस करा लीजिए, नौकरी मुझसे आपसे विनम्र आग्रह है। नाराज ब्राह्मण समुदाय को आप मना पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी मना पाएगी जो आपसे नाराज है, क्या मना पाएंगे हम? सुनिए, नाराज रही है मीडिया की और समाजवादी बसपा और कांग्रेस की देन है, कोई ब्राह्मण, मैं तो क्षेत्र में निकल रहा हूँ, कहीं ब्राह्मण नहीं नाराज है, मैं तो अपने क्षेत्र में रहता हूँ।